ooh अस्सलाम वालेकुम वेरी गुड मॉर्निंग जी सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी आपसे हमारी मुलाकात है और बड़ा अच्छा लगता है सुबह सवेरे जब आप हमारा इंतज़ार कर रहे हों और हम आपका इंतज़ार कर रहे हों कि मुलाकात होगी स्क्रीन के इस पार और उस पार गुफ्तु होगी वो गुफ्तगु आप लाइव कॉल के ज़रिए कर सकते हैं गुजारिश यही रहती है कि जब आप कॉल किया करें तो छोटी आ, बिल्कुल शॉर्ट बात करके एक क्वेश्चन क्या करें जब आप दो तीन क्वेश्चन करते हैं तो फिर बाकी सब लोग जो क्यू में होते हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो जाती है कल हमें ऐसे ही एक दो कॉल्स प्रोग्राम के बाद भी बार बार मौसू होती रहीं और यही कहा गया कि जी हम वेट में थे लेकिन हमारी कॉल नहीं मौसू हो सकी हमारी कॉल थ्रू नहीं हो सकी तो गुजारिश ये है कि जब आप ही कॉपरेट नहीं करेंगे आप ही जब लंबी गुफ्तु करेंगे आप ही जब एक में तीन सवाल करेंगे तो फिर आप ख़ुद ही एक दूसरे का टाइम कम कर देंगे ये छोटी सी गुजारिश थी इसके साथ ही आगाज करते हैं सर्दी कैसी चल रही है जी लाहौर में तो बहुत ठंड है और इर्द गिर्द के इलाकों में भी कहा जा रहा है बहुत सर्दी है लेकिन इस्लामाबाद रावलपिंडी और उसके नवा में कोई इतनी खास ठंड ऐसी नहीं बताई जा रही चंद एक जगहों के अलावा तो बहरहाल अल्लाह तला से दुआ है कि अल्लाह तला बारिश कर दे और ये जो मौसमी जितने वायरल डिजीज़ेस हैं इन्फेक्शन हैं इन सब से अल्लाह ताला हमें छुटकारा दे दे जहाँ जाते हैं कोई कहता है गला ख़राब है कोई कहता है ज़ुकाम है कोई कहता है कोई फ्लू है कोई कहते है, मैं तीन चार दिन से मेडिसिन खा रहा हूँ बुखार नहीं उतर रहा तो ये सब पुलूशन की वजह से है और बारिश होगी तो मामला ठीक हो जाएंगे अपना ख्याल रखें अपने प्यारों का ख्याल रखें इस तरह प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और आपको पता है तलाफत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है आज का वजीफ़ा आपको बताया जाता है आज का मौजू आज की बात में हम डिस्कस करेंगे वो है हरमैन शरीफ का सफ़र रजब के महीने का हम जिक्र कर रहे थे कल के प्रोग्राम में हमने बताया था बाकायदा कि इसमें प्लानिंग की जाती थी कि उम्र की अदायगी की जाए रजब के हवाले से तो हमने आज इसको डिस्कस करना है कि हरमैन शरीफैन का सफ़र इस महीने में क्यों करना चाहिए हर मैन फैन का सफ़र हर एक मुसलमान के दिल की लगन होती है आपके भी होगी मेरे भी दिल की लगन है हम अक्सर इस पे गुफ्तु भी करते हैं और आज यही हमारा टॉपिक ऑफ द डे है हम दो नाच शामिल किए जाएंगे और आज सेगमेंट है जादू जन्नात के सवालत के हवाले से मेहमान स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं उनका तारुफ करवाता चलूँ कारी अहमद यारह कानी साहब मारूफ कारी हैं और अपनी ये खुद शनाख्त के साथ अपना खुद तारुफ है अब इनका तारुफ हम क्या करवाएं सर असल वर खै से अलमदिल्ला आज कम्बोडिया की यादें भी आप हमें दिखा रहे थे तो अच्छा लगा कि वो गुजरे जो बीते अच्छे पल हैं उनको याद करके आपके पास एक अच्छी मेमोरी थी गुफ्तगु करेंगे उसके बारे में भी थोड़ी सी इनके साथ मौजूद हैं मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब फाजिल मदीना यूनिवर्सिटी हैं हदीस और शरीय इम के उस्ताद हैं पी एच डी इस्कॉर हैं मेरे उस्तादों में सेहन इनको भी वार्मली वेलकम करेंगे सर असल वालेक। आप अल्हम्द माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज की सुबह ऐसी थी, थी, थी कि जब आए ऑफिस में और आपसे मुलाकात हुई और जो क्वेश्चन आपने डिस्कस किया तो दिल किया कि हम थोड़ी कन्वर्सेशन करें उस पर थोड़ा सा हम उस पर सीखें कि ये पहलू जो जिंदगी का है इसमें लोगों को जो मसाइल हैं हम उससे क्या समझ ले सकते हैं तो इस पर गुफ्तगू करेंगे ठीक है जी चलते हैं कारी साहब की जानब और गुजारिश करते हैं कि तलाफे कुरान करीम से आगाज़ कीजिए कारी साहब अगर आपने पानी पहले पीना है तो पी लीजिए क्योंकि मुझे लग रहा है कि सुबह सुबह गले में कुछ खराश है कोई मामला है इस तरह का तो अगर आप इजाज़त दें तो मैं आपको कहूँ कि आप शुरू कीजिए प्लीजू الرحمن الرحيم إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت فمن حج البيت او اعتمر فلا جناح عليه ان يطوف بهما ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم إن الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون الا الذين تابوا واصلحوا وبينوا فاولئك اتوب عليهم فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينظرون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم صدق الله العظيم ما شاء الله سبحان الله जजाकला का सब अल्लाह तक जजाकर फ़माया सूर्य बकरा की आयत वन फ़िफ्टी एट से एक सौ अठावन से आपने तलावत फरमाई और जो आपने ज़िक्र किया आगाज़ किया आगाज़ में सफ़ा मरवा का आपने जिक्र कर दिया और उसके बाद आपने ज़िक्र किया कि अल्लाह की सहबत का हज और उम्र का आपने ज़िक्र किया और इसमें फिर बयान किया गया है कि अल्लाह ताली रब्ज़त कितना कदरदान है वह सब जानने वाला है तो आज टॉपिक के मुनासबत से ही आपने माशा तलावत फरमाई तो समझ में आ रही थी बातें साथ-साथ अल्लाह ताला आपको जुदा करने का सर ओवर टू यू और गुजारिश है कि करने का काम आज बताइए फिर आगे बढ़ते हैं बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد निजामी भाई लोगों की हमसे तवक्को ये है जी कि हम उनको कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि बस चंद मिनटों में या चुटकी बजाते ही उनका मसला हल हो जाए हालांकि मसला अगर बहुत पचीदा हो तो उस पर टाइम भी लगता है और हर चीज़ में अल्लाह ताला ने हमें जो है ना वो हौसला सिखाया है वो माल के कायनात चाहता तो ज़मीन आसमान को कुन कह के पैदा कर सकता था वो कहता है कि मैं जिस चीज़ को चाहता हूँ करना मैं कुन कहता हूँ वो हो जाती है ज़मीनों आसमान को पैदा करने में छः दिन लगे क्यों मखलूक को भी सबक दिया इंसानों को भी सबक दिया कि वो देखो रब्बुल रब्बुलम जो हर किस्म की कुदरत और ताकत रखता है वो भी इस चीज़ को पसंद करता है कि चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वजूद में आएँ जी तो हम इतने जल्दबाज क्यों हैं हमें भी चाहिए कि थोड़ा हौसला करें कोई थोड़ी सी मेहनत भी कर लें कोई थोड़ा सा सब्र भी कर लें इसके बावजूद आमना के लाल सल्लाम ने कुछ तरीके कुछ नुस्खे कुछ वजीफे कुछ अमल ऐसे भी बिताए हैं जो वाकई बड़े क्विक सर्वस है बड़ी तेजी के साथ असर होता है उन वजायब में से एक आज वजीफा है कि सिर्फ पाँच मिनट आपके चाहिए पाँच मिनट आप अल्लाह रब्लाज्ज़त की बारगाह में सर झुका के बैठ जाए और उसके बाद आप जिस मकसद के लिए घर से निकलने लगे हैं वो इन पूरा होगा माशाल्लाह वो क्या है आमना के लाल हैं। इदा खरजत मिन जब घर से निकलने लगो ना किसी भी मुहिम पर किसी भी काम के लिए अपने रोजमर्रा के मामल के लिए जॉब के लिए बिजनेस के लिए घर से निकलने लगो तो दो रक्त नमाज पढ़ लो कितने टाइम लगेगा मैंने मैक्सिमम पांच मिनट मैंने ऐसे लोग भी देखे जो डेढ़ मिनट में भी पढ़ लेते हैं लेकिन सुकून से तसली से पढ़े तो पांच मिनट काफी है दो रक्तें पढ़ कर आप बाहर निकल जाए अपने जिस मकसद के लिए भी जाना चाहते हैं तो आमना के लाल सल्लाल। सल्लाम गारंटी दे रहे हैं ये दो रक्तें तुम्हे जो बाहर तेरे साथ कोई मुश्किल कोई तकलीफ कुश्यार होने वाला था तुम्हें उससे बचा लेगा महफूज़ रखे यानी महफूज सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो गई है और फ़वाद आपको इन शाह मिलेंगे अल्लाह की रामते बरकते मिलेंगी और जो नुकसान था जो परेशानी होने वाली थी उससे आप बच जाएंगे वही ज़्यादा दखल था मंजिली का और जब आप वापस घर आ जाए तो आपको घर के अंदर बैठे हुए कोई ऐसा मंजर नजर ना आए कोई ऐसी खबर ना आए कोई ऐसी परेशानी ना आए कि जिससे आप दुखी हो जाए परेशान हो जाए इससे बचना है फसल नहीं रखाते हैं घर वापस आकर भी दो रखत पढ़ लो पाँच मिनट लगेंगे यम नानिक मिन मद घर आके भी आपका कोई नुकसान ना हो कोई परेशानी कोई दुख ना पहुंचे तो उसके लिए ये दो रखते काफ़ी हैं सुबह तो ये पांच मिनट हमारे जी दुनिया और आखरत की कामयाबी और कामरानी के लिए हमारे लिए काफ़ी है मसला सिर्फ है कि हमारे पास टाइम ही नहीं है फजूल बैठे टिक टॉक पर सोशल मीडिया पर यूट्यूब फेसबुक पर घंटों बैठे रहेंगे और फिर फ़ोन करेंगे जी हमें कोई वजीफा बताएं जैसे हमारा मसला हल हो जाए लेकिन ये पांच मिनट निकालने मुश्किल हो जाए अपने लिए ही निकालने अपने लिए तो ये पांच मिनट निकालें फ़वाद क्या है आमना के लाल सल्ला वरमाते जिस बंदे ने खूबसूरत वज़ू किया अच्छी तरह और फिर दो रखते बड़ी पूरी तवज्जो के साथ अपने रब के सामने खड़ा है जैसा कल भी हमने बात की थी तो उस मालक के सामने जब खड़े होने लगे हो तो सोचो तो सही खड़े कहा हो खड़े कहाँ हैं और फिर आपका लिबास आपका पकीजा हो तो फिर सोच पकीजा के साथ जब दो रखते हैं पड़ेंगे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दो बिशारते हैं वो फिर तकदमजम भी पिछले गुनाह सारे खत्म ये गुनाह ही तो रुकावटें हैं यही तो बंदिश है यही तो हमारे सारे मकासद के अंदर आड़ बन जाते हैं मुआफ हो गए और दूसरी में है वजबत जन्ना। जन्नत इसके लिए हो जाती है दो रखते हैं पाँच में जन्नत भी मिल रही हो तो फिर सुस्ती क्यों है। जब आपकी तमाम बंदिशें रुकावटें पांच मिनट में हल हो सकती हैं तो फिर देर किस बात की किस बात की ठीक है अल्लाह या रब्बुल फीक अता आमीन <coughs> एक गुजारिश मुझे और करनी थी आपके एक्सपर्ट रहा कि आप हमें सबक दीजिएगा इससे हमने कब कहा कि सिर्फ वजीफ़ा करें और ज़िंदगी में बाकी जितने भी हम पे ज़िम्मेदारियाँ हैं जो फ़रज़ हैं जो दीन इस्लाम हमें सिखाता है जो नबी मुकरम अलैहि वसल्लम ने हमें तर्ज अमल बताया है करके बताया है जो कुरान करीम में हमें हुक्म मिला है वो छोड़ दें हमने कब कहा कि सिर्फ़ वज़ायब पर ही आप मुनसर रहें ऐसा नहीं है बड़ी साहब मैं आपकी राय चाहूंगा इस पर कि जो कमेंट्स लिख दिए है जाते हैं जो कहा जा मुझे मैसेजेस भी आते हैं क्या सिर्फ ये वजीफा करें और बाकी काम बाक छोड़ दें और जो सुकरात बकरात रस्तू फेसबुक और सोशल मीडिया के हैं मैं खुले बंदो कहूँगा कि मेरे भाइयों बहनों दोस्तों बुजुर्गों बच्चों सीखने के लिए कोई एक चीज पॉजिटिव लेना शुरू करेंगे तो आपको चेंज खुद से नजर आएगा ऐसा कहीं नहीं है हमने कभी किसी प्रोग्राम में नहीं कहा कि जो फराइज है उनको छोड़ दें और आप बस ये कर लें तो ऐसा नहीं है प्लीज सर हाँ हमने ये भी कभी नहीं कहा कि आप ये वजीफा कर लें और आपको बिजनेस करने की जरूरत नहीं आपको जॉब करने की जरूरत नहीं आपको बाहर निकलकर मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं रिजक छत फाड़ के आ जाएगा कभी दे। दे। नहीं कहा ऐसा कभी कोई वजीफा हमने बताया नहीं ठीक है अल्लाह रबाल फरमाते हैं वो सलील इंसान इंसान जो कोशिश करता है वो अर्श वाला उसके मुताबिक था यू आंसर द्वेश्चन सर इसके बाद कुछ बचता नहीं है ये, ये तो बोनस है अगर आप लेना चाहें तो, तो ये जो ये अल्लाह रबुलजत के हमें करीब करते हैं, करते हैं। उसकी थीक थीक के। है। हसूल का जरिया है ठीक ये नहीं है की वज़ायफ करें और बस घर बैठ जाए मसल बिछा के और मेहनत छोड़ दे और जो अल्लाह ने कोशिश करने का हुक्म दिया वो छोड़ दें और खाली वजीफा काट के तो आप कहेंगे हर मकसद मेरा घर बैठे हो जाएगा ऐसा ऐसा नहीं ठीक नहीं। नहीं। है जी एक लाइव कॉलर है वो शामिल करते हैं शाइस्ता साहिबा हैं हरुणाबाद से जी असल अस्सलाम शाइस्ता साहिबा बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का प्लीज फरमाइए क्या पूछेंगे आप जी मैंने ना और टीवी का वॉल्यूम बंद कर दीजिए प्लीज फिर आप सुन पाएंगी हमें जी साहब जी मैंने ये पता करना था कि तजुद में कितनी रकत होती है और इसे किस टाइम पर अदा करते हैं और इसे मतलब किस तरीके से पढ़ते हैं ना मुझे नहीं आती इसकी जरा समझना मैं पढ़ती हूँ नफल जैसे ना तो बारह रकत पढ़ती हूँ तीन बजे उठ करना फिर सूरहुलबाघरा और सूर आलिमरान पढ़ती हूँ और फिर एक हज़ार मतलब पढ़ती हूँ जरा आप मुझे बता समझ आ जाएगी मुझे जी, जी जरूर आपके कॉल करने का बहुत शुक्रिया सर जी इसका हम कुछ प्रोग्राम पहले काफी दे चुके सरकार अगर ये मोहतरमा का नंबर आ जाए हमारे रिसर्चर साहब के पास इनको वो क्लिप का लिंक भी भेजा जा सकता है जिसमें सारी डिटेल मौजूद है तो तहज वो कह रही कितनी रखते पड़ती हूँ बारह 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 रात को पड़ेंगे तो ग्यारह जी ताकत पढ़ेंगे दो दो करके नफर पड़े और एंड पर जाकर तीन वितर या पांच वितर या एक वितर पढ़ के तो उन तमाम रक्तों को ताक बना लें ठीक है और वो जो द्रूषी पढ़ती हैं अल्लाह और मज़ीद इजाफा फरमाएँ अल्लाह दे तो और पढ़ें और जो सुरह बकरा पढ़ती हैं सुरा आलिमरान पढ़ती हैं वो भी बासे बरकत हैं तो अल्लाह तौन के तमाम नकियों को कबूल फ़रमाए तो तहज रात के किसी हिस्से में भी पढ़ी जा सकती है अलबत् अगर सैर के टाइम पढ़ें तो ये सबसे अफजल और अला तरीन वक्त है और रक्तें ग्यारह पढ़ें और अगर कभी किसी वजह से बीमारी नींद किसी मशबूलियत की वजह से रह जाएं रात को तो फिर इशराक के वक़्त बारह रखते पड़ेंगे तो वो भी तहज का स्वाब मिलेगा ठीक है तीन बजे का टाइम होने वैसे बता अच्छा है उन्हें वैसे बच्चा बेहतरीन टाइम है ठीक है, है। सर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन हमें भेजा गया एक शख्स शादी है अपने वालिद के घर में ही यानी जॉइंट फैमिली में रहता है उसकी जॉब की नोयत ऐसी है कि कभी कभार उससे नमाज रह जाती है या वो बाजत नमाज नहीं पढ़ पाता बल्कि घर में पढ़ लेता है लेकिन वालिद साहब का इसरार है कि उनका यह बेटा शुदा मस्जिद में नहीं बाजमात नमाज पढ़ने जाए क्योंकि वहां अव्वल वक्त में नमाज होती है जबकि बेटा अगर ऐसा नहीं कर पाता तो वालिद साहब उसे और उसकी बीवी को घर से निकाल देते हैं कि जाओ है। मेरे घर से निकल जाओ कि नमाज या जमात में सुस्ती करने वाले के साथ मेरा गुजारा नहीं है सवाल यह था कि वालिद साहब का यह रवैया इस्लामी तालीमत की रूह से क्या दुरुस्त है पहले तो इस बात पर खुशी हो रही है कि आज के दौर में भी ऐसे वाले मौजूद हैं जिनको अपने बच्चों के साथ इस कदर मोहब्बत है कि वो चाहते हैं कि हर वो तरीका इख्तियार करें जो उनको जन्नत के करीब कर दे और जहनब से बचा ले सर बड़ी माजत के साथ मैं चाहूंगा दे करें हम इसको एक दे दे हैं। काफी देर से हमारे साथ फजीलत साहबकोट से जी असल जी फरमाइए क्या पूछेगा पूछना था कि ये आजकल जो करप्टो करेंसी जो है इसके बारे में पूछना है कि ये क्या है क्या है, बच्चों ने बड़ा तंग किया हुआ है कि इसमें पैसा लगाएं और बहुत रातों रात जो है वो नहीं। 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 मतलब होता है की स्पोर्ट ट्रेडिंग करप्टो ये उसने मुझे मेरे बेटे ने कहा ये पूछ के तो बताएं ठीक ठीक है, है आपके क्वेश्चन करने का बहुत शुक्रिया जी अभी जवाब लेते हैं वैसे आ, मैं बता दूं आ, इन अदर केस जैसा क्रिप्टो करेंसी का आपने कहा और ट्रेडिंग का कहा ये दो चीज़ें हैं लेकिन इनको आप भी कर देते हैं तो भी ये आजकल बहुत इन सर आज कल क्या ये जायज है बहुत सवाल हैं जी, <coughs> जी क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन जी और आप बस वो नेट खोलते जाए तो आपको कमर्शियल आने शुरू हो जाते हैं जी इस साल इतने लोग अरबपति हो चुके हैं सिर्फ आप ही रह गए हैं तो आप भी खरीद लें तो रातों रात अरबपति हो जाए जी तो पहली बात तो ये जेहन में रखें कि जहाँ लालच क्रिएट कर दिया जाए वहाँ गड़बड़ लाजमी होती है ऐसा कोई नहीं होता कि रातों रात आपको वो अरबपति बनाएंगे अगर ऐसा हो तो फिर वो चले जाए ना दिगर ऐसे ममालिक में जो हमसे भी बेचारे नीचे हैं तो उनको बना दें करोड़पति अरबपति ऐसा नहीं होता है तो पहली बात यह है कि ये करेंसी की जितनी भी किस्में हैं तो ये पेपर करेंसी भी तो हमने खुद ही बनाई हुई है ना असल करेंसी थी सोना और चांदी

मैं भी भी ये कह रहा हूं कि अभी तक पाकिस्तान में ये जितनी भी करेंसीज के नाम ले रहे हैं बिटकॉइन है जो क्रिप्टो करेंसी है और भी अठारह उन्नीस बीस किस्म की करेंसी इस वक्त दुनिया में चल रही हैं जिस करेंसी को हुकूमत पाकिस्तान की जमानत हासिल नहीं है आप उसमें कारोबार करेंगे आपके साथ फ्रॉड हो जाए आपका कोई वाली वारस नहीं है बिल्कुल नहीं तो इसलिए ये करंसी पेपर करेंसी की तरह ही हलाल हैं जायज हैं लेकिन कब जब यहाँ पर मुनासब कवानी बना दिए जाए और कस्टमर की सिक्योरिटी के तमाम कवानी मौजूद हूं हुकूमत इसको ऑन कर ले तो फिर पाकिस्तान में भी ये जायज होगी करें जाये जिन ममालिक में ये पहले से मौजूद हैं वहाँ कवानी बन चुके हैं वहाँ करें ठीक है और पाकिस्तान में करेंगे तो फिर वो पिछले साल भी अरबों रुपए लोगों के लुट गए पिछले साल में अरबों रुपए लोगों के लुटे हैं वो या जो आप कह रहे हैं कि एक कोड खत्म हुआ यस, आपका अकाउंट उड़ा कहीं नहीं कर जितने सकते भी बस बस, बस रो रहा हूं दोनों से कहा बता सकते हैं लोगों को आप तो इसलिए जहां जहाँ ये चीजें मौजूद हैं और आपके पास कोई सिक्योरिटी ना हो वहां पर आप रिस्क ना लें। अच्छा मैं अपनी मिसाल पेश करूंगा क्योंकि जब आप बात करें तो आप लॉजिक से करें आप यकीन कीजिए मैं विटनेस यहाँ पे मैं विक्टम मौजूद हूं कि लाखों रुपए मैंने ज़ाया किए जया और वो जब हमें समझ नहीं थी जब हमें आइडिया नहीं था हम सीख रहे थे हमने कहा ठीक है इन्वेस्टमेंट्स हैं चल रहा है ट्रेडिंग है दो मुखलिफ चीजों को हमने कंबाइन भी किया लेकिन अ वेरी बैड डे फाइन डे नहीं कहूँगा वेरी बैड डे जब आप मॉर्निंग में उठते हैं और आपकी वो साइड नहीं चल रही होती और आप कहते हैं शायद क्रैश कर गए तौर वक्त कोई प्रॉब्लम है लेकिन वो क्रैश नहीं वो आपसे आप डिच कर गया बिल्कुल इसी तरीके से इस अरबों रुपए लोगों को लूट और मेरे इर्द गिर्द सोशल सर्कल में हम चंद लोगों ने अगर काउंट किया तो करोड़ों रुपए तो सर वो बनते अस्ट थे अस्ट अस्ट अस्ट। तो ये, ये इस कंपनियां इसी तरह से मासूम लोगों को लूट के बाद में भाग जाती हैं और आप कहीं क्लेम क्या आप किसी को बता भी नहीं सकते कि भाई मैंने इतने इन्वेस्टमेंट किए किस को पूछ के किए थे भाई exactly. किसकी गारंटी थी कोई सिक्योरिटी कोई प्लान कोई कवा नहीं कुछ थे नहीं जी तो वो ठीक है और सर उनके ऑपरेटर कोई पता नहीं वो दुनिया के किस हिस्से में बैठे हैं, हैं और क्या कर जी है? और वो नंबर अगर आपने चाइना का रखा है यूरोप का रखा है इंग्लैंड कनाडा कहीं का भी रखा है और आपने वो ग्रुप्स बनाए हुए हैं ट्विटर पे मुख्त जगहों पे आपने बनाए इंस्टाग्राम पे उसके बाद वो कहाँ पे जाते हो चाहे पाकिस्तान में बैठे ऑपरेट कर रहे हो आपको क्या पता है एक नई किस्म देखते हैं उसको जुआ कहेंगे जी, जी। खुले लफ्सों में दैट इज अटर इंग और उसकी बाकायदा अब तो इंटरनेशनली उसको रिकमेंडेशन दे दी गई है और लोग ऑफिशियली पार्टनर है उसके तो लेकिन भाँ वो गवर्नमेंट्स उसको सपोर्ट करती हैं तो ये हराम इस तरह से भी है कि जो चीज आपके पास है ही नहीं हाँ जी। जो आपके पास रिकॉर्ड ही नहीं है जो अमाउंट आपके हाथ में नहीं है रिकॉर्ड नहीं है आप उसमें मत करें इस तरह के काम बच तो अच्छी बात है बाकी दुनिया कह रही है कुछ लोगों को मैंने देखा रातों रात उन्हें डबल कैबिन भी ले लिए अगले दिन पेट्रोल के भी पैसे नहीं और सड़क में मारे मारे फिर रहे हैं तो इसको मत कीजिए इसी को जुआ कहते कहते हैं इसी को जुआ हैं दिस इज अरबपति दूसरे रात जी बिल्कुल ऐसे चले ठीक है जी आगे बढ़ते हैं सर आ, हम उस सवाल का जवाब ले लें कि लेंद साहब ने कहा कि कि मैं कर तो रहा था, था कि अगर तो साहब का जज्बा इस लिहाज से देखा जाए कि वो अपने बच्चों को जन्नत तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं तो काबिल तारीफ है और बेटे को भी ये समझना चाहिए कि वालद साहब ये क्यों कह रहे हैं कोई दुनियावी मुफाद तो है नहीं तो उनको भी कोशिश करके नमाज के लिए मस्जिद पहुंचना चाहिए जी अगर जॉब की वजह से वो रस्से में हैं वापस आ रहे हैं तो उनको कोशिश करनी चाहिए कि वो नमाज़ पढ़ के घर आ जाएं घर आने से नमाज लेट हो जाती है सुस्ती हो जाती है चाय शाय पीते निकल जाती है तो वो अपनी उन चीज़ों को थोड़ा सा कंट्रोल कर लें नमाज़ के टाइम पर नमाज़ पढ़ लें अल्लाह भी राजी वालद भी राज़ी और अल्लाह के नबी सल वसलम का ये फरमान जेन में रखें कि अगर वालद राज़ी है तो अल्लाह भी राजी है और अगर वालद नाराज है तो अल्लाह भी नाराज़ है लेकिन दूसरी तरफ बुजुर्गों को भी थोड़ा सा नरम होना चाहिए बेटे का तो कसूर है कि उसने नमाज़ नहीं पढ़ी या रह गई जमात से अच्छा नमाज ना पढ़ना तो उस जुर्म है और बहुत बड़ा जुर्म है लेकिन अगर नमाज जमात से रह गई है तो ये इसको ये इतना बड़ा जुर्म ना बनाएं कि मियाँ बीवी दोनों को ही घर से निकाल दे बहू का क्या कसूर है, जी, <laughs> है जी। तो वाला साहब को भी थोड़ा नरम होना चाहिए अल्लाह के नबी सल्ला ज़रा एक दफ़ा जुर्म को दर चेक करें आमना के लाल सल्ला बैठे हैं और युदियों का एक ग्रोह गुजरा और उन्होंने अल्लाह के नबी को बद दुआ दिए अलैका या मोहम्मद बिल्लाह अल्लाह के नबी आपको मौत आ जाए तो अम्मा जी आयशा ने अंदर से बड़े गुस्से से कहा अलैकुम तुम्हें मौत आए और तुम पर अल्लाह की लानत हो अब अल्लाह के नबी की, की तौहीन ये इतना बड़ा जुर्म है इतना बड़ा जुर्म है कि उसके मुकाबले में नमाज बाजमा ना पढ़ना तो कुछ भी नहीं है इस में मौके पर, नहीं, मुझे एक अल्लाह के नबी इतना बड़ा जुर्म और वहां भी आप नरमी करने का हुक्म दे रहे हैं और एक तरफ ये नमाज बात रह जाए तो को नरमी करनी चाहिए अच्छी बात एक लाइव कॉलर है फातमा साहिबा हैं जड़ावाला से जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम जी कॉल करने का शुक्रिया फरमाइए क्या पूछेंगी आप ये मेरे मोसी साहब से ये कहना है। मैं देवा औरत हूं 40 साल मेरी उम्र है और चार बच्चे हैं मेरे तो मेरे ना बच्चों का हिस्सा नहीं उसके तो मेरे ससुराल वाले दे रहे Allah तो उनकी वजह से बच्चे छोटे हैं और मुझ मेरे पास कोई काम करने के लिए कोई मसला नहीं है बच्चे अक्सर भूखे रह जाते हैं Allah तो, Allah तो, Allah तो Allah. बहुत मसला है मेरे लाश में तो इस वजह से मैं कह रही हूँ मैं उनसे अपने बच्चों का हिस्सा ले सकती हूँ बच्चों का हिस्सा लेने सकती ले सकती क्यों आपको लेना चाहिए लेना चाहिए मैं अल्लाह ताला आपके लिए तरहियाँ करे मेरी बहन आप फिक्र ना कीजिए वो जात देख रही है मैं अभी आपके क्वेश्चन का जवाब लेता तो बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने करनी अल्ला अकबर ये पाकिस्तान में वरासत को बर वक्त और सही मस्क्न तक ना पहुँचाने का नुकसान है अब देखें वो जो बच्चे हैं अगर ताया और चचा या दादाजी सारे लेकर बैठे हैं और इन बच्चों का हिस्सा उनको नहीं दे रहे तो ये ज्यादती है किसी ताए को किसी चचा को किसी पुप्पी को इनका हिस्सा खाने की शरण बिल्कुल भी जास नहीं है और इनको फौरन देना चाहिए और नहीं देंगे तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं जल्म। जल्म। मा म क्यामत वाले दिन शदीद अंधेरे बन जाएंगे जहाँ रोशनी की जरूरत होगी वहां ये म आकर इंसान को डसेंगे तो इन रिश्तेदारों को जो जाहरा है कुछ चच्चा होगा या ताया होगा जो इन बच्चों का दबा के बैठा है तो एक बालिश्त ज़मीन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मन वाला में शिबरन जिस बंदे ने एक बलिश्त ज़मीन भी किसी की जुल्मन अपने पास रख ली नहीं दी तो क्या को ये सातों ज़मीनें काट कर उसके गले में तोक बनाकर डाल दी जाएंगी अल्लाह तो ऐसे चच्चा को ताया को डरना चाहिए अल्लाह से और अपने इन यतीम, यतीजे और भतीजियों को उनका हिस्सा फौरी तौर पर दे देना मोहम्मद रमजान साहब कर चुके हैं जी सर को दस उनको भी शामिल करते हैं जी वालेकुम रमजान साहब जी सर जी मोहम्मद रमजान साहब बहुत शुक्रिया कॉल करने का फरमाइए क्या कहेंगे आप जी सर मैं ये बात करना चाहता हूँ कि ये ये जो हमारी लड़कियाँ है आजकल कल की मीडिया पे बातें करती हैं सोशल मीडिया पे या लाइव कॉले करती हैं। जी जी पूछ इनको, इनको हदायत करने के लिए क्या हमें करना चाहिए जी सर जी 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 हमारे पाकिस्तान में जो ये गन पड़ा हुआ है जी 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 मैं समझ गया आपकी बात है? मैं समझ गया आपकी जी? बात आपकी कंप्लीट हो गई बात जी जी नहीं अभी नहीं मेरी बात अच्छा कंप्लीट कीजिए बताइए सर मैं ये करना चाहता हूँ कि भैया अगर हमें कोई ऑर्डर दें या हमारे लाइक कोई हो ये काम करने का तो हम कर सकते हैं हम कदम उठा सकते हैं ये लड़कियाँ बातें करती हैं लाइफ काले करती हैं और ये जो आजकल गाना चला हुआ है नंगे डांस जी ठीक है ठीक है ठीक तो है, है मैं मैं समझ गया हूँ मैं जवाब लेता हूं आपकी बात का और गुजारिश ये है कि हम बड़ी माकूल से दो जुमलों में उसको कंप्लीट कर दे जो हम पूछना चाहते हैं क्योंकि हम पे जिम्मेदारी आये होती है हमारी माए बहनें बेटियां दोस्त अहब सब देख रहे होते हैं तो हमारा प्लेटफॉर्म दीनी प्लेटफॉर्म है तो आपसे गुजारिश है लफ्जों का चुनाव अच्छा सर ये जो इन्होंने क्वेश्चन किया है डेफिनेटली आप भी समझ गए हैं बहुत सी एप्स हैं सोशल मीडिया की साइट्स हैं ना सिर्फ लड़कियां इसमें लड़के भी शामिल हैं बुजुर्ग भी शामिल हैं बड़ी उम्र की खातन भी शामिल हैं ये बहुत ज्यादा एक डैलमा सोसाइटी का बन ये है। अब ये जिम्मेदारी हुकूमतों की है आम वो का भाई साहब कह रहे हैं जी हमें हुक्म करें भाई आपके करने का काम नहीं है आप ज़िम्मेदारान को ख़बर दें पैमरा मौजूद है ना पैमरा किस बीमारी का इलाज है जी। उनको इतला करें उनको आप एप्लीकेशन दें कि भाई हमारे मुशरे में ये काम सही नहीं हो रहा इसको बंद करें और कुछ अर्सा पहले हुकूमत ने पाबंदी लगाई भी थी दोबारा उनको याद कराया जाए कि ये ये चीज़ें माशरे को खराब कर रही हैं और इस्लामी माशरे में बेहयाई को फ़रोग देने वाले जितने ऐप्स हैं जितने प्रोग्राम हैं जितने चैनल्स हैं उनको कंट्रोल करना जिम्मेदारी किसकी है आम फर्द की कतन नहीं, नहीं है नहीं। अगर हर शख्स ये ज़िम्मेदारी अपने ऊपर ले ले और जाकर झगड़े शुरू कर दे तो ये तो फसाद हो जाएगा तो इसके लिए मुनासिब फोरम है कि आप हुकूमत को इतला करें अप्लीकेशन दें और उनको इन्फॉर्म करें कि ये ये काम गलत हो रहे हैं इनको बंद किया जाए अगर वो नहीं करते तो ये सारा गुना उनको आए और वो लोग जो ख़ुद अपने चैनल बनाकर या एप्स के अंदर ये सारी चीज़ें फैला रहे हैं उनको भी अल्लाह से डरना चाहिए अल्लाह के अल्लाह इज़्ज़त फ़रमाते हैं इन लदीन युब्बुना अन तशी अल्फाशत फिल् लदीन अमनु लहुम अज़ाब अलीमुन फ़िल दुनिया वल आखिर कि जो लोग मुसलमानों के अंदर मुसलमान माशरे के अंदर बेहियाई को फ़रोग देते हैं उनके लिए दुनिया में भी और आखरत में भी दर्दनाक अजाब है अल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम मुसलमानों के इससे महफूज फरमाए हम दीगर लोगों की देखा देखी वो सारा गंद जो वहाँ बाहर है वो सारा इधर ले आते हैं तो जितने लोग इस बेहयाई को फरोग देने में शामिल हैं उनको अल्लाह से डरना चाहिए और इन चीज़ों से तोबा कर लेनी चाहिए और हुकूमत अगर ये सारी चीजें देख रही है तो उनको भी अल्लाह से डरना चाहिए और इन चीज़ों को कंट्रोल करना चाहिए बंद करना चाहिए और अगर ये फरोख पाते हैं और हुकूमत की सरपरस्ती में पाते हैं तो ये अल्लाह के अजाब को दावत देने वाली बात थीक, है ठीक है अल्लाह ताला हमें माफूद फरमाए आमीन या رب العالمین इस पे बहुत लंबी डिबेट हो सकती है लेकिन जो आपके करने का मेरे करने का काम है हम खुद भी ना देखें और इसको हम आगे स्प्रेड भी ना करें हां जी और ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ओवरलुक कर जाएगी

क्या हाल है सब अलहमदुल्ला फरमाइए मेरा सवाल ये जो है न हजब मदीना में होते हैं माशाल्लाह जी और 11 साल से मदीना में है माशाल्लाह जी और इस दौरान कभी एक माह के लिए कभी दो माह के लिए कभी पंद्रह दिन के लिए साल बाद इस तरह आते हैं जी तो अब मुझे पता चला है की साल पहले उन्होंने उधर निकाह किया हुआ है अच्छा जी 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 और मेरी, मुझे पता चलने पे मैंने उनसे बात की है तो वो कहते हैं ये सिर्फ पेपर मैरिज है सऊदी अरेबिया में पेपर मैरिज है जी 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 अच्छा तो अब आप क्या तो पूछना चाह रही मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जायज है ये वैसे मेरे वो इस तरह बुरे कर रहे हैं जैसे आप खुद ही देखे की साल में एक दफा आ गए तो उसके पास अगर ग्यारह माह रह रहे हैं वो बेवा है उसकी दो बेटिया भी हैं अच्छा जी और उन्होंने इन्होंने मुझे बताया नहीं इस निकाह के बारे में मुझे बस पता चल गया अच्छा और उन्होंने करार हाँ। कर लिया उन्होंने करार किया लेकिन उन्होंने यही कहा कि मैं ये सिर्फ पेपर मैरिज है मैंने अपने पेपर बनाने के लिए ये किया है और मैं उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है अच्छा चले ठीक है ठीक है तो बाप क्या तो मैंने चा... ये पूछना है की क्या ये जो कह रहे हैं वो इस तरह हो सकता है ये जायज है यानी उनका ये दूसरा निका करना जायज है या नहीं

कि अगर वो आपके रोज़ी रोटी के लिए बाहर गए हुए हैं तो आप उनको मत जाने दें उनको कहें जी हम एक रोटी खा लेंगे सूखी खा लेंगे और आप हमारे पास रहें आप बाहर मत जाएं तो फिर ठीक है फिर वो जो अजाफी अयाशियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी लेकिन आपके हकूक आपको मिलेंगे अब आप वो वहाँ रहते हैं तो सऊदी अरब में तो मेरे इलम में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है कि वहाँ पेपर मैरिज की ज़रूरत हो नेशनलिटी तो वो देते नहीं हैं इस इस तरीके आज सुबह ही हम बात कर रहे थे आ, तो इस तरीके से नेशनैलिटी वो देते कोई नहीं कि नहीं, जहां नहीं, पेपर मैरिज की जरूरत पड़े तो ये बहन उसको इतना मजबूर किया है तो वो उन्होंने ये एक झूठ गढ़ के उनको सुनाया कि मैं पेपर मैरिज की हुई है अगर तो उन्होंने मैरिज की है तो वो मैरिज ही है वो पेपर मैरिज बिल्कुल सऊदी अरेबिया में कोई कंसेप्ट नहीं है तो एक शख्स को जब ये इतना मजबूर कर देती हैं तो फिर वो इतना झूठ तराशते हैं साफ बता दें कि मैंने शादी की हुई है और बाकी जो बात इनकी है कि मेरे हकूक मुझे मेरे पास एक महीना रहते हैं उधर ग्यारह महीने रहते हैं तो आप उनको, वापस बुला रहे। उनको कहे हमें आपकी कमाई की जरूरत नहीं हिम्मत करें ना। जी। उनको कहे हाँ, आप पाकिस्तान रहे थोड़ा कमाए और हमारे पास हो, हो सकते हैं कहा भी हो, हो सकते भाई साहब को भी ऐसा कर लेना या तो इनको बुला लें अपने पास तो दोनों बीवियों को बराबर हकूक दें या उसको लेकर इधर आ जाए दूसरी शादी तो वो खुद मान रही है कि जुर्म कोई नहीं है शरण भी कोई जुर्म नहीं है तो दोनों बीवियों को कट्ठा रखें बराबर टाइम दें उनको और जितना अल्लाह उनको कमाई दे उसमें से उनको को वो को पूरे करते रहें तो अजाफी कमाने के लिए अगर वो बाहर बैठे हुए हैं तो ये पाकिस्तान वाली दौजा मोहतरमा को ये ग्वारा अब नहीं है पहले था लेकिन दूसरी बीवी के होने की वजह से अब उनको ये बर्दाश्त नहीं है तो वो दोनों को इकट्ठा कर ले या इसको ले जाए या उसको इधर ले जाए जी। जी। ग्यारह साल हो गए तो छह साल पहले मतलब कोई मसला नहीं था पांच साल जब पता चला तो अब थोड़ा हाँ। तो अच्छा, सा <laughs> मतलब, ये, ये हमारी ये बहन तो भट्टी साहब और कारी साहब आपस में ना कुछ सरगोशी कर भी रहे थे और मुस्कुरा भी रहे थे तो असल में ये बात हो रही थी चले ठीक है जी ठीक है आगे बढ़ते सर एक क्वेश्चन और शामिल करते हैं अल्लाह दिता साहब हैं कबूला से हमारे साथ जी असला वालाम जी अल्लाह दिता साहब खैरियत से है ठीक है आप ठीक ठाक जी अल्लाह कर फरमाइए क्या पूछेंगे आप अल्लाह तो। आप टीवी का वॉल्यूम बंद कर लेंगे तो अच्छा हो जाएगा वरना टेक्निकली लाइन ऑटोमेटिकली डिस्कनेक्ट हो जाएगी हम बात नहीं कर पाएंगे ठीक ठीक है जी जी फरमाइए हमारा मसला जी हमारी शॉप है सब्जी की सब्जी की हाँ जी सब्जी की और आज ना जी कर्जा हमारे ऊपर बहुत ज्यादा है वो आकर हमें बार बार तंग करते हैं बहुत ज्यादा परेशान करते हैं आप पूछना चाहते हैं कि शरीयत में हमारे लिए क्या हुक्म है हम उनके साथ क्या तरज करें किस तरह उनको मुतमन करें और कोई वजीफा बताएं जिसकी वजह से हमारे माली हालात अच्छे हो जाए अल्लाह पर अल्लाह अल्ला। पर ठीक है भाई बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का अभी जवाब लेते हैं सर कर्ज का मामला तो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इससे नमाज के अंदर पनाह की दुआएं मांगी हैं तो अम्मा जी ऐशा रजील फरमाती हैं कि मैंने पूछा अल्लाह के नबी आप किसी चीज़ से इतनी पनाह नहीं मांगते जितनी कर्ज से मांगते हैं तो आपने फरमाया कर्ज एक ऐसी चीज है कि जब बंदा मकरूद हो जाता है फिर वो बात करता है तो झूठ बोलता है वादा करता है तो वादा खिलाफ करता है तो ये जो गुनाह है ये अकेला नहीं होता रहता फिर इसके साथ अटैचमेंट होती जाती है तो अल्लाह के नबी नमाज़ के सईदों में तशाह में कर्ज़ से पनाह की दुआ मांगा करते थे तो भाई साहब उनको अगर किसी ज़रूरत के लिए कर्ज़ लिया था बढ़ गया अब उतर नहीं रहा तो कोशिश करें अल्लाह से दुआ भी करें और नियत कर लें कि मैंने कर्ज़ अदा करना है तो फिर अल्लाह के नबी वम की गारंटी है कि अल्लाह उसकी मदद ज़रूर करता है तो उन कर्ज़ खाओं के साथ तय कर लें कि महाना हम इतना देंगे ताकि वह परेशान भी ना करें या अपना इतमान से कारोबार भी करें और महाना कुछ ना कुछ उनको दें ताकि वो भी मुतमिन हो जाएं आप अगर एक बंदे ने पैसे लेने हैं और वो आपके पास आए और आप उसको छः महीने साल तक टरखाते जाएं तो पर गुस्सा उसको भी आएगा जाहिर है तो उनके साथ बैठ के तय कर लें कि महाना हम आपको इतने इतने करके वापस करेंगे और नीयत कर लें तो अल्लाह वसाइल भी देगा और बाकी रह गया कर्ज़ की दाइगी के लिए तो वो वजीफ़ा हम कई बार बता चुके हैं अल्लाह मकफीनी बेहलाली का अनहरामिक वग्निनी बे फौजली का अम अल्लाह के नबी सल्ल रबी अल्लाह वजीफ़ा बताया था कि अगर सबीर पहाड़ जितना कर्ज भी हो तो भी उतर जाएगा ठीक तो है। इस वजीफ़े को पढ़ें और साथ कसरत से इस्तार करें नमाजों का अहतमाम करें और अल्लाह के ज़रा करीब हो जाए ना दो नफल पढ़ के अल्लाह से मदद मांग लें इंशाल्लाह सारे राह खुल जाएंगे इन शलूस दिल और नीयत के साथ जब भी कोई अमल किया जाए तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जरूर उसको कबूल करता है इंशाल्लाह ठीक है इसके साथ ही अपने मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा हमारे साथ कारी अहमद यार कानी साहब मौजूद रहे कारी साहब आप कहने का बहुत शुक्रिया जी और इनके साथ मुफ्ती मौलाना मोहम्मद अजमल भट्टी साहब सर आपके भी तशरीफ का बहुत शुक्रिया थैंक यू मच नहीं जी प्रोग्राम अभी जारी है ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर हो रहे हैं आपने जाना कहीं नहीं मैं कॉफ़ी के चंद एक सिप लेता हूँ आप भी चाय शाय नाश्ता वगैरह कर ले मिलते एक ब्रेक के बाद <tiny sound>